स्टूडेंट वेलकम बैक। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इनवेरिएंट का टॉपिक हमारा रह गया था थोड़ा सा, तो बच्चों ने बोला कि इसको भी सर थोड़ा सा डिस्कस कर ले, तो हम इसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपकी स्टार्टिंग अंदर थ्योरी दी है इनवेरिएंट क्या होते हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, वो आप खुद से भी पढ़ कर रखना थोड़ा सा। ठीक है, कि मान लो हमारे पास एक, जहाँ पर मैंने क्या लिखा है सेकेंड डिग्री का, एक हमने क्या लिखा है सेकेंड डिग्री की इक्वेशन लिखी हुई है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सेकेंड डिग्री। एस हमने क्या एक्सप्रेशन लिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स में प्लस बी वाई स्क्वायर टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी। तो ये हमारे पास सेकंड डिग्री एक इक्वेशन है। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। अब ये इक्वेशन क्या करते हैं हम, अब यदि आप क्या करो, आप अपनी जो एक्सिस है, आप अपना जो एक्सिस का जो ओरिजिन है, यदि हम उसको शिफ्ट कर देते हैं किसी पॉइंट एच के ऊपर, उसके बाद उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आप वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, आपने उस ट्रांसफॉर्मेशन को इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। ठीक है, या फिर आपकी जो एक्सिस को हम किसी एंगल थीटा से रोटेट करते हैं। अब जैसे आप उसको रोटेट करेंगे, तो आपके एक जो जो आपके प्रीवियस वेरिएबल्स हैं एक्स वाई, तो इनकी एक न्यू वैल्यूज़ आएंगे, एक न्यू सेट ऑफ वैल्यूज़ आएगा, आपने उनको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना। अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास एक न्यू इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, जिसको हमने एक अलग से रिप्रेजेंटेशन कर दिया है, डैश का सिंबलाइज कर दिया, डैश 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 लिख दिया और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, तो क्या करा कि इसके ऊपर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी और हमने इसको एक न्यू सेट में, एक न्यू इक्वेशन फॉर्म होगी हमारे पास जे वाई। अब क्या है हमारे पास, जो हम मेन इनवेरिएंट चेक करते हैं, क्या कि इनवेरिएंट क्या होता है कि जिसके अंदर चेंज ही नहीं कोई हुआ। आपने ट्रांसमिशन तो लगाई, लेकिन इसकी जो जे वैल्यू है वो पहले भी इतनी थी और उस ट्रांसमिशन करने के बाद भी उतनी ही आंसर दे रही है, इसका मैन दैट थिंग इज इनवेरिएंट अंडर द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो वो कौन कौन से मेन इनवेरिएंट्स हम चेक करते हैं, हम एक ट्रेस चेक करते हैं, हम एक डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, एक हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होती है उसका जो कॉफिशेंट है, उनका आपस में रिलेशन, वो हम तीन यहाँ पर मेन इनवेरिएंट चेक करते हैं। ठीक है, किसी के अंदर टी से रिप्रेजेंट करते होता क्या है ए प्लस बी, तो पहले ए प्लस बी का आंसर निकालना, फिर ए डैश प्लस बी डैश। यदि इन दोनों का आंसर सेम आ गया, इसका मीनिंग हमारे पास जो ट्रेस है आपके पास वो क्या है, इनवेरिएंट है। एक हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता, हमने पहले ओरिजिनल एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालना, फिर हमने जहाँ से एच डैश माइनस ए डैश बी डैश निकालना, क्या उनका आंसर सेम आता। एक हमारे पास ये सिंबल है, इसको ओहम भी बोलते होते थे हम छोटे हो, जब हम लोअर क्लास में थे, तो ये आपका एक फाइव टाइप का है, कैपिटल फाइव। इसके अंदर आप कैसे लिखते हो, डिटर्मिनेंट के अंदर आपने यहाँ पर ए बी सी लिखना है, ए बी और सी आपने डायगोनल के अंदर लिखना। फिर आपका कौन सा आ रहा है, जहाँ पर टू एच आ रहा है, तो आपने एक एच यहाँ पर एक एच, फिर आपके पास कौन सा आ रहा है जी आ रहा है, एक जी जहाँ पर एक जी यहाँ पर, और फिर आपका एफ आ रहा है, तो एफ यहाँ पर एफ आ यहाँ पर, आपने इसको सॉल्व करके आंसर निकालना। इसी प्रकार हमने न्यू वाले को निकालना, तो क्या क्या चेंजेस हमारे पास आती है, यदि उनके आंसर सेम आते तो वो इनवेरिएंट्स होंगे, यदि वो चेंज करते हैं तो वो वेरिएंट्स हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल करेंगे। एक चीज़ बता देता हूँ, इसके अंदर जो आपका फर्स्ट आर्टिकल है वो आर्टिकल आप खुद से करें, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, वो बोर्ड के ऊपर करवाना पॉसिबल नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करिए, वो आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, उसको कर लेना, पता नहीं होता एग्जाम में वो आ सकता है। तो आज हम एक एग्जाम्पल करेंगे और आप उस एग्जाम्पल्स को देखेंगे, यदि आपको इन फ्यूचर लगा कि हमें वो आर्टिकल करना चाहिए, तो देन आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट, ठीक है, इन दैट आर्टिकल। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एग्जाम्स की। हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर देखते हैं कैसे हमें शो करना होता है, क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि शो द टी डाटा एंड जो हमारा फाई है आर इनवेरिएंट है व्हेन द इक्वेशन ऑफ कर्व, एक कर्व दी हुई जिसकी इक्वेशन हमें जहाँ पर दी हुई है इज ट्रांसफॉर्म टू अनदर, तो हमने इस कर्व को ट्रांसफॉर्म करना है टू अनदर कर्व बाय शिफ्टिंग द ओरिजन टू द पॉइंट। हमने इसका जो ओरिजन है उसको यदि हम शिफ्ट कर देते हैं 1, -1 पर, तो हमारे पास एक न्यू कर्व आएगी विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। आपने जो एक्सिस की डायरेक्शन ही चेंज करनी है, जस्ट हमने अपने ओरिजन को शिफ्ट करना है, तो जैसे करेंगे तो आपके पास एक न्यू कर्व आएगी। तो हमने ये बताना है कि हमारा टी डाटा एंड फाई वो इनवेरिएंट है, इनकी वैल्यू इसके अंदर और न्यू के अंदर वो सेम रहेंगी, वो कैसे करना। तो एग्जाम क्वेश्चन के अंदर हम कैसे करेंगे, हमें जो गिवन दिया है बेटा जी, हम लिखेंगे इसको थोड़ा सा ध्यान से, एक एग्जांपल का मीनिंग होता है हम जहाँ से लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने इसको कंपेयर करना है, गिवन दिस हमारे पास एंड कंपेयर इट, एंड कंपेयर इट, इसको हम कंपेयर करेंगे इट विद। तो आपने सबसे पहले इसी प्रकार से करना है ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई प्लस, इसको याद कर लीजिएगा, बी वाई स्क्वायर टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी के साथ, आपने सी इज इक्वल टू जीरो कर सकते हो, तो इसके साथ आपने कंपेयर कर लेना। ठीक है, बी गेट
अब देखो क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट 4 है तो आपके पास ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, एक्स वाई की टर्म नहीं है तो आपका एच कितना होगा 0, बाई स्क्वायर का कॉफिशियंट बी है तो बाई स्क्वायर का ऑप्शन 1 तो बी की वैल्यू आपके पास 1 रह जाएगी, सी जहाँ पर है सी जहाँ पर कॉन्स्टेंट नहीं है तो 0 आ जाएगी, ठीक है। जो एक्स का कॉफिशियंट है वो आपका 2g है तो 2g आपका माइनस 5 है, दैट इज 2g माइनस 5 तो जी आपका माइनस 5 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 2g माइनस 5 तो 2 को दूसरी साइड लेकर जाना, 2f आपका माइनस 2 है तो इस 2 को इधर लेकर जाएंगे तो आपका f कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने a, h, b सभी की वैल्यू निकाल लेनी। अब हमने क्या करना, हमने t निकालना है, ठीक है। तो t आपका a प्लस b होता है तो a 4 हो चुका प्लस 1 तो आपका 5 आ रहा है। फिर हमने क्या करना है, डेल्टा एच स्क्वेयर माइनस ए बी, एच तो हमारे पास 0 है, माइनस ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 1 तो आपका माइनस का 4 आ जाएगा। फिर हमने वो निकालना है फाई, फाई आपका होता है ए, आपका जहाँ पर ए होता है जहाँ पर एच होता है जहाँ पर जी होता है, फिर आपका एच होता है, बी होता है, एफ होता है, फिर आपका एफ जहाँ पर आपका आ जाता है इस प्रकार से जी, फिर आपका एफ एंड सी, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं और उनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास यदि आप इसको एक्सपेंड करेंगे, लिख लेते हैं वैल्यूज पुट कर लेते हैं फिर एक्सपेंड कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए की वैल्यू 4 है, एच की वैल्यू 0 है, जी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 5 है 2 है, एच 0 है, बी हमारे पास कितना है 1 है, एफ हमारे पास कितना है माइनस 1 है, और उसके बाद जी हमारे पास कितना है माइनस का 5 है 2 है, जी हमारे पास माइनस 1 और सी हमारा 0 है। अब इसका आंसर चेक करो कितना आता है, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लेंगे तो 4 आ जाएगा जहाँ से 0 एंड जहाँ से माइनस का 1 आपके पास आ जाएगा, फिर ये तो 0 रहेगा, माइनस के 5 है 2, साथ में इसको मल्टीप्लाई कर 0 तो माइनस माइनस प्लस के 5 है 2 आपके पास आ जाएंगे। तो आपका हमारे पास माइनस का 4 एंड माइनस के 25 बाई 4 तो जो आपका 16 यहाँ पर चले जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 16 एंड 25 आपका माइनस 41 बाई 4 होना चाहिए, माइनस का 41 बाई 4। तो जी हमने बेटा जी इतना आंसर कर लिया। तो पहले क्या था, गिवन इक्वेशन को लिखा, कंपेयर करा, सभी के वैल्यूज निकाले, फिर हमने टी डेल्टा और फाई की वैल्यू फर्स्ट निकाल दी। अब सेकंड क्या होगा, हम इतना आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, लिख लो। अब यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, ठीक है, कि हमारा जो रीज़न है मैं यहीं पर करवाता हूँ आपको साथ साथ में, ठीक है। इतना हमने कर लिया, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब हम यहाँ पर अप्लाइंग द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, उसको लाइन जो हम लिख सकते हैं द न्यू रीजन इज, तो हमारे पास अब क्या है, नाउ द न्यू रीजन हमारे पास कितना है 1, -1 है, तो देयरफॉर आपके पास x कितना होता है, x होता है x डैश प्लस h, h आपका कितना आ जाएगा 1 है, तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। h किसको बोलते हैं, जो हमारा h कॉमा k, हम जिसको रीजन मानते थे न्यू, तो अब h की वैल्यू आपकी 1 है। एंड y आपके पास क्या होता है, y इज इक्वल टू y डैश प्लस k, तो k आपकी माइनस 1 है, तो जी हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, और x डैश y डैश आपके न्यू कोऑर्डिनेट्स होंगे ऑफ द कर्व विद रिस्पेक्ट टू द न्यू रीजन, तो इन दोनों को पुट कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आप लिख लो पुटिंग दिस एंड दिस इन इक्वेशन नंबर 1 कर लो, तो जैसे पुट करेंगे तुम्हारे पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, इसकी स्केयर है प्लस y डैश माइनस 1 की स्केयर है, 5 इंटू x डैश प्लस 1 है, एंड माइनस का 2 इंटू y डैश माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 एक्स डैश की स्केयर प्लस 1 प्लस 2 एक्स डैश, जहाँ से हमारा वाई वन डैश की स्केयर प्लस 1 माइनस 2 वाई डैश, जहाँ से माइनस 5 एक्स डैश माइनस 5 माइनस 2 वाई डैश एंड प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। कोई भी मिस्टेक हो सकती है, आप थोड़ा सा ध्यान से करना, जहाँ पर आपके पास 4 एक्स डैश स्केयर आ जाएगा, जहाँ से प्लस का वाई डैश स्केयर, फिर 4 को जहाँ से 2 से मल्टीप्लाई तो 8 एक्स डैश यहाँ से आ जाएंगे प्लस के 8, और माइनस का 5 है तो प्लस के 3 एक्स डैश आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से यदि हम बात करते हैं माइनस का 2 बाई डैश यहाँ पर है, माइनस का 2 बाई डैश यहाँ पर, तो माइनस के 4 बाई डैश आ जाएंगे। अब कांस्टेंट काउंट करते हैं, 4 को 1 से करा प्लस का 4 प्लस का 1 प्लस का 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास प्लस का 2 बचेगा, तो ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी न्यू इक्वेशन। एक बार कंपेयर कर लेते हैं, तो जो हमारे पास ऑलमोस्ट हमारे पास किस प्रकार से इक्वेशन है बुक के अकॉर्डिंग, या इट इज़ ऑलमोस्ट राइट वन है।
तो अब हमारी ये न्यू इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। अब हम फिर से इसको कंपेयर करेंगे, इसको भी आपने कंपेयर करना है। यहाँ पर लिख लो कंपेयर इट विद, इसको आप कंपेयर कर लो ए डैश से था, ठीक है। ए डैश इसको एक्स डैश स्क्वायर कर लो, प्लस टू एच डैश एक्स वाई एंड प्लस बी डैश वाई डैश की स्क्वायर एंड प्लस टू जी डैश एक्स डैश एंड प्लस टू एफ डैश वाई डैश प्लस सी डैश इज इक्वल टू जीरो, इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर इट विद दिस, ओके। तो कंपेयर कर लेना, तो कंपेयर करके हमारे पास का हमने ए बी सभी की वैल्यू निकाल लेनी है, और उसके बाद जो काम होगा वो आपका होगा, ठीक है। वहाँ उसके आगे आपने खुद से करना है कि आपका आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हम नेक्स्ट एग्जांपल को यहाँ पर टैकल करेंगे, ठीक है। आपने कंपेयर कर लेना तो आपका कितना आ जाएगा, ए आपका 4 आ रहा है। यहाँ पर देखिए आपके पास फिर प्रोडक्ट वाली टर्म नहीं आ रही, तो आपका एच डैश कितना होगा, 0 होगा बेटा जी। और बी डैश आपका कितना आ रहा है, यहाँ पर 1 ही है इसके अंदर अभी भी वाई डैश, तो बी डैश आपका 1 ही आएगा, ठीक है। और जो आपका 2g डैश है वो आपका 3 के इक्वल है, तो g डैश आपका आ जाएगा 3/2, ठीक है। एंड 2f डैश आपका -4 है, तो आपका f डैश जो हो जाएगा वो आपके पास माइनस के 2 आ जाएंगे, एंड जो c डैश वो आपका भी 2 आ जाएगा। तो जी हमारे पास वैल्यूज है, तो सबसे पहले आप t डैश निकालोगे, ठीक है। t डैश जिसको हमें निकालना, हम t ही लिखेंगे, t डैश नहीं लिखेंगे, हम इसको t ही लिखेंगे, t हमारा ट्रेस है। अब ट्रेस कितना आ रहा है, अरे वाह, यहाँ पर तो 4+1 फिर से 5 आ गया, जो कि आपके पास इसको टी डैश कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मे भी हम लिख सकते हैं, तो पहले भी 5 था तो ये हमारे पास इक्वल होगी, तो देखो हमारा टी डैश इज इक्वल टू टी, दैट इज हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रेस इज इन वेरियंट, ठीक है। ट्रेस इज इन वेरियंट, हमने एक चीज़ तो प्रूव कर दिया, ट्रेस हमारे पास कैसा है, इन वेरियंट है, ओके। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, उन्होंने यहाँ पर टी ही लिखा हुआ है, और जहाँ पर उन्होंने जो आंसर लिखा वो लिख दिया है कि ये हमारी न्यू टी है, इसको हम कर देंगे न्यू ट्रेस है, और यहाँ पर कर दिया ये ओल्ड टी के इक्वल ही है, ठीक है। तो आपकी जो ये इक्वेशन है, लाइक हमने यहाँ पर लिखने का स्टाइल आपके बुक के अंदर से ही रखा है, किसी को कोई दिक्कत ना आए, तो जो हमारा अभी न्यू टी आ रहा है वो हमारा ओल्ड टी के इक्वल ही है, तो देयरफॉर ट्रेस आपका इनवेरिएंट रहेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर डायरेक्ट निकाल लेना एच डैश स्केयर माइनस ए बी, जी भी सेम रहेगा, बिकॉज एच डैश की वैल्यू 0 है, तो 4 × 1 तो आपका ये आपका आंसर -4 ही आएगा, पहले भी हमारे पास -4 ही आया था, ठीक है, विच इज इक्वल टू ओल्ड हमारे पास डेल्टा है, तो देयरफॉर इट इज़ अगेन इनवेरिएंट। तो आपने इसी प्रकार से फाई को जहाँ पर फाइंड आउट कर लेना है, अभी मैं आपको करवाई देता हूँ फाई भी, ठीक है। तो हमारा कंप्लीट एक क्वेश्चन जहाँ से हो जाएगा, कोई भी इसके अंदर हमने पॉइंट नहीं छोड़ा जो हम नहीं करें, ठीक है। अब जहाँ पर हमारे क्या था ए डैश था, तो ए डैश की वैल्यू 4 आ जाएगी, फिर हमारा एच डैश था 0, फिर हमारे पास जी था 3/2, ठीक है। जहाँ पर हमारा एच आता है, जहाँ पर हमारा बी डैश आता है, जहाँ पर हमारे पास क्या आता है एफ की एंट्री स्टार्ट हो जाती है -2, जहाँ पर हमारे पास क्या आता है इसके विद रिस्पेक्ट टू जी आता है 3/2, जहाँ पर हमारा एफ डैश के विद रिस्पेक्ट टू एफ, और सी डैश की एंट्री कितनी है 2। सॉल्व करते हैं, 4 बाहर आ जाएगा, 2 माइनस के 4 आ जाएंगे 0, एंड प्लस का 3/2 हमारे पास माइनस का 3/2, तो जहाँ पर यदि हम देखेंगे तो माइनस के 2 तो माइनस का 8 हो जाएगा, एंड माइनस के 9/4 आपके पास, और यस जी आपके पास 32 माइनस, तो माइनस के 41/4 जी आपके पास ओल्ड 5 के इक्वल आ चुका है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं हमारे पास क्या है टी डेल्टा एंड जो हमारा 5 है, दीज आर इनवेरिएंट अंडर दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज हेयर बी जस्ट शिफ्ट अवर ओरिजन टू द पॉइंट 1, -1, ठीक है। एंड दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा जो बच्चे कह रहे थे कि इन्वेरिएंट करना आपको जो समझ में आ गया, मेरे को पता है कि आपका जो माइंड है वो उस आर्टिकल के लिए परेशान होगा जो हमने अभी तक नहीं करा, तो मैं नीचे आपके कमेंट देखूंगा, जैसे आप कमेंट करेंगे कि हमें करना है, अदरवाइज मैं तो यही चाहता हूँ कि आप खुद से करना, वो हो जाएगा, ठीक है। नहीं हुआ तो फिर तो मुझे करवाना ही पड़ेगा। हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल वो बहुत ही आसान है कि शो दैट इफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेम कॉनिक, ये दोनों इक्वेशन सेम कॉनिक को रिप्रेजेंट करें एंड द एक्सिस आर रेक्टेंगुलर। एक्सिस आर रेक्टेंगुलर का मीनिंग हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर काम करें, एंड दैट जो हम लेते हैं ना कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर सिस्टम बोलते हैं, बिकॉज उसके अंदर 90 के एंगल बनते हैं, ठीक है, ओरिजन के ऊपर, तो वो हमारा रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ एक्सिस होता है। और जब हमारे पास ये दोनों सेम कॉनिक को रिप्रेजेंट कर दे, तो हमें इस कंडीशन को प्रूव करना, जो कि बहुत आसान है, होप्स वो आपने ये पहले से करा होगा, लेकिन अभी मैं जहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हमें जो गिवन है
वो हमारे पास जो है ए एक्स स्क्वायर है, टू एच एक्स वाई है, प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, वन है। ठीक है, इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं इज इक्वल टू वन। तो या फिर आप इसको माइनस वन इज इक्वल टू जीरो करके नंबर वन कर लो। एंड साथ में हमारे पास क्या है, ए डैश एक्स स्क्वायर है, टू एच डैश एक्स वाई है, प्लस बी डैश वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल जीरो, इसको नंबर टू करो। ठीक है, अब हमारा जो टू है वो रिप्रेजेंट, वो एक तरह से हमारे पास क्या है ना, टू इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन इन एनी काइंड। तो आपको लगेगा कि यहाँ पर यदि वो दोनों सेम कोने को रिप्रेजेंट करते तो आपकी जो सेकंड इक्वेशन होगी इसकी ही ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है, इसकी ही ट्रांसफॉर्मेशन होगी, हल्का सा कोई चेंज करा होगा। आप देखने को भी देख सकते हो कि सेम एंड उसका जो लुक वाइज है वो टोटली सेम है, जस्ट आपकी जो कांस्टेंट है वो हमने यहाँ पर चेंज करे हैं। हमने नहीं करे, हमने सिर्फ कांस्टेंट चेंज करे हैं, लेकिन उसकी जो लुक है इक्वेशन की वो सेम है। तो इसका मीनिंग उसकी कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। तो देखो हमारे पास जो टू है इस ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन है। अब आपने जो आर्टिकल हमने यहाँ पर करा है इसके अंदर आपको जो आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर यदि आपके पास सेकंड डिग्री का कोई भी एक्सप्रेशन है और यदि आप उसके अंदर उसकी जो टी होते हैं उसका जो टी है और उसका जो डेल्टा है वो ऑलवेज आपके पास इनवेरिएंट होते हैं अंडर एनी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो आर्टिकल हमने छोड़ा उसके अंदर आप चाहे उसकी ओरिजिन को शिफ्ट करो चाहे फिर उसकी आप रोटेशन ऑफ एक्सिस ले लो, तो आपके पास जो टी एंड डाटा होते हैं जो उसका ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट होता है वो इनवेरिएंट होते हैं, वो रिजल्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब टू इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन है। ठीक है, तो देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो कि इसका जो ट्रेस है कितना होता है, ट्रेस ए प्लस बी, वो इसके ट्रेस के इक्वल होगा, दैट इज ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल होगा। एंड जो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट होता है एच स्क्वायर माइनस ए बी, वो इस सेकेंड वाले के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। सेकेंड का कितना आ जाएगा, एच डैश स्क्वायर माइनस ए डैश बी डैश, तो जी हमारे पास दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको प्रूव करना चाहिए तो बहुत आसान है, इसकी आप क्या करो स्केयरिंग कर दो दोनों साइड, तो जो आपके पास इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, और जहाँ से आप जस्ट इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4h स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू 4h डैश स्क्वायर माइनस 4a डैश बी डैश। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो लिख लेना लाइंस आपके बुक के अंदर एडिंग इन दिस टू। तो हमारे पास जहाँ पर यदि आप ऐड करते हो तो a प्लस बी की होल स्क्वायर उसको ऐड करो, 4h स्क्वायर माइनस 4ab लेफ्ट साइड बन गई है, यहाँ पर a डैश प्लस b डैश की स्क्वायर उसको ऐड करो, 4h डैश स्क्वायर माइनस 4a डैश b डैश हमारी सेकेंड साइड यहाँ पर बन चुकी है। इसको ओपन करो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab आ जाएगा और साथ में आपका माइनस का 4ab भी है। ठीक है, उसको पहले लिख दिया और प्लस 4h स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे, a डैश स्क्वायर b डैश स्क्वायर प्लस 2a डैश b डैश माइनस का 4a डैश b डैश और प्लस 4 का h डैश स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक, इतना हमने यहाँ पर कर दिया। तो एक बार देख लेते हैं कि आपको जो विजिबल है, अभी मार्कर डार्क लाइट हो चुका है काफ़ी। ठीक है, तो जैसे मैंने इतना करा बेटा जी, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लिख सकते हैं नीचे जस्ट एक लाइन लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जहाँ पर देखो प्लस का 2ab माइनस का, तो ये माइनस का 2ab आ जाएगा, प्लस 4h स्क्वायर आ जाएगी, यहाँ पर भी सेम हमारा a डैश स्क्वायर हो जाएगा b डैश स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 2a डैश b डैश प्लस 4h डैश स्क्वायर हो जाएगा। अरे बच्चा जी, हमारे पास क्या होता है a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो आप इस लाइन के बाद डायरेक्ट ये लाइन लिखेंगे कि दिस इज़ व्हाट a प्लस a माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर इज इक्वल टू a डैश माइनस b डैश की होल स्क्वायर और प्लस 4h डैश स्क्वायर। तो जी हमारा टोटली सेकंड एग्जांपल भी डन हो चुकी है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या करेंगे, मैं आपको कल की वीडियो के अंदर मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगा, कोई बात नहीं, अब घबराना मत। अब हमने इसको फिर से रीस्टार्ट कर दिया, लाइफ है, लाइफ के अंदर काफ़ी अप्स एंड डाउन आती रहती है हमारे पास। ठीक है, हमारी जो लाइफ होती है वो नॉर्मल कभी नहीं रहती, उसके अंदर काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी हम इसको कंटिन्यू कर पाते कभी हम नहीं कर पाते। तो उसका रीज़न यही होता है कि सिंपल रीज़न यही था कि जो मैंने बता दिया कि कभी हमारे हालात जो हमारी सिचुएशन होती है वो हमारे हक में होती है और हमारे पास टाइम होता है और हम मैनेज कर लेते हैं इन चीज़ों को करने के लिए आपके लिए। ठीक है, और समटाइम कुछ
सिचुएशन ऐसी होती है कि उसके अंदर हम फंस कर रह जाते हैं, फिर टाइम को मैनेज करना वो आसान नहीं रहता और फिर वहाँ पर गैप आ जाता है। लेकिन जब भी मेरे को जैसे भी टाइम मिलेगा मैं आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर आता रहूँगा। सो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपने इसको लास्ट तक देखा तो आपका धन्यवाद, एंड होप सो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे एंड इन फ्यूचर आप मेरे से कनेक्ट रहेंगे और भी वीडियोज़ के लिए। एंड थैंक यू, एक प्यारी सी स्माइल हो जाए कमेंट बॉक्स के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।